सिंह, हमें ये बताएं कि कितना बड़ा ब्रिटेन में, ब्रिटेन की राजनीति, वहां जिस तरह के समुदाय अलग अलग रहते हैं, मल्टी कल्चरल नेशन कहा जाता है, ऐसे में अगर एक एशियाई मूल का व्यक्ति बनता है तो क्या आपको लगता है ये उसकी झलक नीतियों में भी दिखेगी और जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई हैं उसमें भी देखने को वो मिलेगी? सबसे पहले तो ये कहना होगा कि एक भारतीय मूल के वहां के नागरिक को इस ऊंचे पद पर पहुंचने से नजर आता है कि वहां की, आपने जैसे कहा कि मल्टीकल्चरलिज्म की जो पॉलिसी है या फिर वहां का जो लोकतंत्र है वो काफी सामर्थ्य रखता है कि सभी नागरिकों को इस तरह का अवसर मिल सकता है। तो ये एक अपने आप में उदाहरण बन जाता है। हाँ, वो बहुत ही संकट वाले समय में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यहाँ आर्थिक अर्थव्यवस्था जो वहां की है वो उसमें काफी हलचल है, काफी तनाव है उसमें, संकट है उसमें। और उसके साथ साथ आप देखें कि यदि इस ऐसे माहौल में कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसमें सुनक, मिस्टर सुनक, मुझे लगता है कि बहुत ही उनका जो अपना तजुर्बा है उसमें, वो चाहे आप देखें, पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उसके बाद वो हेज फंड्स में काम किए, फिर सेक्रेटरी थे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के वहां, और उससे पहले वो एक्सचेक चांसलर ऑफ एक्सचेकर रह चुके हैं। तो उनका पूरा जो अध्ययन है और तजुर्बा है वो आर्थिक नीतियों से सुलझने का, उलझने का और उनको सुधारने का लगातार ऐसे रहा है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक संकट के समय में वो राजनेता तो जाहिर है कि है ही, और उसके अलावा उनका जो अर्थव्यवस्था से जूझने जी का जो पूरा तजुर्बा है वो मुझे लगता है इस वक्त काफी कामयाब होगा, और एक नया उत्साह एक युवा प्रधानमंत्री बनने से मुझे लगता है कि देश में एक और तरह से भी आता है। वहां के भारतीय मूल के नागरिकों को मुझे लगता है बहुत उत्साह होगा, और खासकर ये दिवाली के पर्व के साथ साथ इसका जुड़ना जी मुझे लगता है कि उसका माहौल उसमें एक उत्साह लाने की कोशिश करेगा। पर चुनौतियां हैं, पर ये भी है कि हमें पूरी उम्मीद है शायद ज्यादातर जी लोगों को के ऋषि सुनक उस पे काफी जी ठीक उतरेंगे। बिल्कुल। हमने बोरिस जॉनसन को देखा, एक समय पार्टी गेट कांड के बाद खुद उनकी पार्टी उनके खिलाफ हो गई और नतीजा हम जानते हैं। फिर हम लिज ट्रस्ट के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह उनकी नीतियों की वजह से पार्टी ही उनके खिलाफ एक वक्त तक खड़ी हो गई और नतीजा उसका भी हमने देखा है। अब आपको लगता है कि ऋषि सुनक के पास पार्टी का समर्थन होगा पूरा? क्योंकि एक तथ्य है कि ऋषि सुनक डायरेक्ट इलेक्शन से होकर नहीं गुजरे हैं, पार्टी के इलेक्शन से होकर वो गुजरे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या उतनी उनको आजादी होगी? पार्टी उस तरह से उनके साथ खड़ी होगी क्या? मुझे लगता है कि दो प्रधानमंत्री जब इस्तीफा देने के बाद एक और तीसरे प्रधानमंत्री को चुना जाए तो पार्टी के पास कुछ ज्यादा विकल्प नहीं रहते कि वो बार बार इस तरह के इस्तीफे दिलवाए और एक नए प्रधानमंत्री को फिर से लाए। तो पार्टी को भी अपनी सीमा समझनी होगी मुझे लगता है ऐसे माहौल में। और ऐसे कहा जा रहा है कि इस वक्त करीब 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट कर रहे हैं ऋषि सुनक को। तो समर्थन पार्टी का, चाहे वो अपनी सीमाओं को समझते हुए हो या उत्साह के साथ सुनक के साथ जुड़ने की कोशिश हो, पार्टी नहीं चाहेगी कि इस वक्त आसानी से एक और नया प्रधानमंत्री इतने सामने लाया जाए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई और वो उनको समझती हैं, और इसी बात का जिक्र अपनी पहले भाषण में ऋषि सुनक ने भी किया, तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये अपेक्षा भी होगी कि बहुत जल्दी से सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। माहौल जो है वो उलझा हुआ है, संकट है, उसमें समय लगेगा, और जैसे उन्होंने कहा कि कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे इस वक्त। तो ये मुझे उम्मीद है कि पार्टी नहीं चाहेगी कि अगले इलेक्शन में जाने से पहले वो एक और प्रधानमंत्री लाए। करीब करीब आधा समय हो चुका है, 2019 में जी इलेक्शन हुए बिल्कुल थे, तो मुझे लगता है कि उनका जो अपना, मैंने जैसे कहा कि तो जो जी तजुर्बा है इस फील्ड में और इस तरह का जो माहौल है उसमें, वो युवा हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको धीरे धीरे चीजें सुधारने का पूरा जी अवसर मिलेगा। तो
इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से आगे हालात सुधरेंगे जी बिल्कुल। प्रभुदयाल साहब, आप